ख्वाब के अंदर इंसान अपनी शादी देखता है, अपनी शादी, अगर तो वो कंवारा है तो उसकी शादी हो जाएगी, और अगर वो कंवारा नहीं है, शादी शुदा है, तो उसकी तबीर है औलाद। बाज़ लोग इसकी तबीर डेथ भी देते हैं, लेकिन हम नहीं इसकी तबीर डेथ देते, हम ये कहते हैं शादी होना बुरा काम नहीं है, शादी होना अच्छा काम है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अन्निकाहु सुन्नती, निकाह करना मेरी सुन्नत है। तो ये डेथ की तरफ तबीर क्यों जाती है इसकी? अन्निकाहु सुन्नती, इस सुन्नत पर अमल किया तो बंदा मर जाता है, सुन्नत पर अमल करना तो बंदा ज़िंदा होता है। अन्निकाहु सुन्नती फमन रागिबा सुन्नती फलैसा मिन्नी, तो जो सुन्नत से मुंह फेरे वो हम में से नहीं है। तो इसलिए जो बंदा ख्वाब में शादी देखता है, अल्लाह ताला उसको औलाद देगा, उसकी अपनी शादी हो जाएगी, अल्लाह उसको माल देगा, अल्लाह उसको दौलत देगा, ख़जाना देगा, आने वाला वक़्त अच्छा कर देगा, मुस्तकबिल बेहतर कर देगा, उसकी औलाद की शादियां करवा देगा, अल्लाह ताला उसको आए दिन उसके बेहतर कर देगा। ये इसकी तबीर है।